अजीज तलबा, आज के प्रोग्राम में हम आपको दूध की गजाई अहमियत, दूध के हुसूल के तरीक़े और इसकी हिफाजत के तरीक़ों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा दूध की मुख्तलिफ मसनूआत को घरेलू और तिजारती सतह पर तैयार करने के तरीक़ों के बारे में भी बताएंगे। बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए पहले कई सालों तक दूध गजा में शामिल रहना चाहिए। आइए देखते हैं कि दूध में कौन कौन से गजाई अज्जा पाए जाते हैं। सबसे पहले उन गजाई अज्जा की बात करते हैं जो दूध में मौजूद होते हैं। दूध के अज्जा को दो ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है, पानी और ठोस अज्जा। ठोस अज्जा में चिकनाई, लैक्टोज, लहमियात और मादनी मादा शामिल है। मुख्तलिफ जानवरों के दूध में इन अज्जा का तनासुब मुख्तलिफ होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर पांच अज्जा हर दूध में पाए जाते हैं। कुदरती तौर पर दूध में पानी की मकदार सबसे ज्यादा होती है। मुख्तलिफ जानवरों में ये मकदार 82% से 87% तक पाई जाती है। दूध में शामिल पानी बिल्कुल आम पानी की मानिंद होता है, जो ठोस अज्जा को हल करने और हजम करने में काम आता है, जैसा कि इस चार्ट से वाज़े है। इंसानी और गाय के दूध में 87% पानी मौजूद होता है, जबकि भेड़ के दूध में सिर्फ 82% पानी पाया जाता है। कुदरती तौर पर दूसरी गजाओं में भी पानी की इसी तरह बहुतात होती है। मूली, गाजर और शलगम जैसी सब्जियों में 91% पानी होता है, जबकि तरबूज में 98% पानी पाया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों के दूध में चिकनाई की मकदार तकरीबन 3% से 7.5% तक होती है। चिकनाई को मिल्क फैट या मक्खन कहते हैं। दूध में चिकनाई छोटे छोटे जर्रात की शक्ल में होती है और इन जर्रात को खुर्दबीन की मदद के बगैर नहीं देखा जा सकता। दूध में गजाइयत और खुशबू चिकनाई के जर्रात की वजह से होती है। चिकनाई चूंकि दूध के पानी में हल नहीं होती, इसलिए इसे दूध से अलहदा करना या दूध से क्रीम और मक्खन की सूरत में निकाल लेना बहुत आसान है। दूध में रोगनी अज्जा यानी चिकनाई के अलावा प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के दूध में लहमियात की मकदार मुख्तलिफ होती है। आमतौर पर यह मकदार 2.2% से 7% तक होती है। दूध के लहमियात में 80% कैजीन, 18% लैक्टो एल्ब्यूमिन, जबकि 2% लैक्टो ग्लोब्यूलिन और फैब्रिन शामिल होते हैं। पनीर का ज्यादा हिस्सा केजीन पर मुश्तमिल होता है और आइसक्रीम भी केजीन ही से बनती है। केजीन खालिस शक्ल में कुदरती बर्फ की मानिंद सफेद होती है और इसका कोई जायका और कोई बू नहीं होती। दूध का सफेद रंग भी केजीन की मौजूदगी की वजह से होता है। खालिस केजीन पानी में हल नहीं होती। दूध में अगर तेजाब या तेजाबी नमक मिलाया जाए तो केजीन को अलहदा किया जा सकता है, जैसा कि दही और पनीर बनाने के अमल में किया जाता है। लैक्टो एल्ब्यूमिन एक किस्म की प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है और ये हल पजीर है। एक और प्रोटीन ग्लोब्यूलिन भी दूध में पाई जाती है। इसका तनासुब 0.01 होता है। ये एक एंटीबायोटिक के तौर पर जिस्म को बीमारियों से बचाती है। लैक्टोज एक खास किस्म की शक्कर है जो 4% से 5% तक दूध में पाई जाती है। शक्कर की यह किस्म दूध के अलावा और किसी चीज में नहीं पाई जाती। मुख्तलिफ हैवानात के दूध में लैक्टोज का तनासुब इस चार्ट में दिखाया गया है।
ये दूध में हलचुदा शक्ल में पाई जाती है। लैक्टोज ना सिर्फ खुद दूध हजम होता है बल्कि दूसरी ग़िज़ाओं को भी हजम करने में मदद देता है। इसके अलावा ये मेदे में फ़ायदेमंद जरासीम की अफजाइश में मदद देता है और नुकसानदेह जरासीम को हलाक करता है। ताज़ा दूध में पाए जाने वाले जरासीम लैक्टोज पर हमला आवर होते हैं। अगर ताज़ा दूध को फौरी तौर पर गर्म या ठंडा ना कर लिया जाए तो ये जरासीम इसको खट्टा कर देते हैं। अक्सर लोग लैक्टोज को आसानी से हजम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे हजम करने में दिक्कत महसूस करते हैं। ऐसी सूरत में लैक्टोज से पाक दूध और पनीर वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध में कई किस्म के मादनी मादे भी पाए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, फौलाद और आयोडीन खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों की नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। नाजरीन, हमारे मुल्क में दूध दो तरीक़ों से हासिल किया जाता है, हाथ से और मशीन से। सबसे पहले दूध दोहने वाले बर्तन बिल्कुल साफ होने चाहिए और हाथों के नाखून कटे हुए होने चाहिए। साबुन से हाथों को धो लेना चाहिए। जानवर के हैवाने को पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए ताकि दूध में किसी किस्म के जरासीम शामिल ना होने पाए। अगर ये शामिल हो गए तो जो लोग ऐसे दूध को इस्तेमाल करेंगे वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। मशीन से दूध निकालने के लिए जानवरों को मिल्किंग मशीन से मुलहिक बाड़े में इकट्ठा किया जाता है। मशीन की सहूलत के मुताबिक जानवरों को मतलूबा तादाद में मशीन वाले कमरे में लाया जाता है। कप्स और दूध वाली नालियों को पानी के प्रेशर से साफ किया जाता है ताकि किसी किस्म के जरासीम दूध में शामिल न होने पाए। जानवरों के थनों को खूब अच्छी तरह धोया जाता है ताकि किसी किस्म की कोई गंदगी दूध में शामिल न होने पाए। थनों के कपों पर मशीनों के जरिए एयर वैक्यूम पैदा किया जाता है। इसके बाद कप्स बारी बारी थनों पर चढ़ाए जाते हैं। दूध थनों से निकलकर इस जगह जार में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब दूध इस जार में एक खास सतह से ऊपर हो जाता है तो दूध पाइपों के जरिए मुलहिक कमरे में पहुंच जाता है। यहां पर दूध बड़े बड़े कंटेनर्स में जमा कर लिया जाता है। मिल्किंग पार्लर के जरिए एक ही वक्त में 100 से जायद जानवरों का दूध दोया जा सकता है। नाजरीन, दूध को महफूज करने के 3 तरीके हैं। दूध को ठंडा करना, दूध को गर्म करना और दूध में जरासीम कुश अद्वियात का इस्तेमाल करना। दूध को अगर ठंडा रखा जाए तो इसमें जरासीम की नशोनुमा रुक जाती है। दूध को महफूज करने का बेहतरीन तरीका दूध को गर्म करना है। हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि घरेलू इस्तेमाल के लिए आम तौर पर दूध को चंद मिनट के लिए उबाल लिया जाता है और फिर ठंडा कर लिया जाता है और इस तरह दूध खराब होने से महफूज रहता है। व्यापारी लोग दूध को ज्यादा देर तक खराब होने से बचाने के लिए दूध में बोरिक एसिड या हाइड्रोजन परऑक्साइड मिला देते हैं। ये दोनों कीमियाई मादे इंसानी सेहत के लिए मुजर हैं। नाजरीन, हमारे मुल्क में दूध से बहुत सारी मसनूआत बनाई जाती हैं, जिनमें दही, मक्खन, घी और पनीर शामिल हैं। आइए इन मसनूआत के बनाने के रिवायती और जदीद तरीके देखते हैं। घरेलू सतह पर पनीर, दही और मक्खन बनाना बहुत आसान है। इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आइए पहले दही बनाते हैं। आमतौर पर घर में हम खुला दूध इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको पहले छान लें।
इसको अच्छी तरह बॉईल कर लें। अब इस दूध को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। दही जमाने के लिए कोई ढक्कन वाला बर्तन लें। अब इसको ठंडा करने के लिए खुले बर्तन में डाल दें। अब ये दूध नीम गर्म हो गया। अब इसमें आधा किलो दूध में 1 चम्मच दही जाग लगाने के लिए काफ़ी है। गर्मियों के मौसम में, सर्दियों में मौसम के हिसाब से जाग थोड़ी ज़्यादा लगाते हैं। अब इसको ढक्कन से अच्छी तरह बंद करके 3 घंटे के लिए बाहर पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको फ्रिज में रखते हैं। ये देखें, दही तैयार है। आइए अब हम आपको पनीर बनाने का तरीका बताते हैं। पनीर बनाने के लिए पहले हमने ये आधा किलो दूध छान के रखा हुआ है, इसको इस बर्तन में डाल के हम इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। अब दूध को जोश आ गया, अब चूल्हे को थोड़ा सा हल्का कर लें। अब आधा किलो दूध में 1 लीमू निचोड़ दें। अब इसको अच्छी तरह 1-2 जोश दिला लें। देखें, ये पानी अलग और फुटकियाँ अलग हो गई हैं। अब इसको छानने के लिए एक बर्तन लें और एक मलमल का कपड़ा लें। अब इस दूध को अब इसको बांध लें। और पानी अलग करने के लिए इसको किसी जगह पे लटका दें। अब ये देखें, इसको 3 घंटे तक हमने लटका के रखा है। अब ये पनीर तैयार है। इसको खोल के इसको किसी प्लेट में निकाल लें। पनीर तैयार है, इसको आप काट लें और खाने के लिए इस्तेमाल करें। अब हम आपको मक्खन बनाने का तरीका बताते हैं। मक्खन बनाने के लिए क्रीम को हमने पहले से जाग लगा के रखा हुआ है। अब इस क्रीम को हम शेकर में डालते हैं। अब इस क्रीम में ठंडा पानी डालें थोड़ा सा। थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा और ठंडा पानी डालें। अब इसको अच्छी तरह शेक करें। अब ये देखें, मक्खन तैयार है। इसमें से पानी अलग कर लें। अगर आपके पास घर में शेकर नहीं है तो आप ये काम सारा मधानी के साथ भी कर सकते हैं। उसी तरह ठंडा पानी डाल के इसको फेंटते रहें तो आपका मक्खन तैयार हो जाएगा। अब हम आपको मक्खन से घी बनाने का तरीका बताते हैं। ये हमारे पास मक्खन है, इसको हम चूल्हे पे रख के इसको हल्की आग पे पकाते रहें।
और मुसलसल इसको हिलाते रहें आहिस्ता आहिस्ता। घी तैयार होने वाला है, इसका मतलब है कि घी तैयार हो गया। ऐसा किसी दूसरे बर्तन में इसको छान लेते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास घी तैयार हो गया। नाज़रीन, तजारती पैमाने पर दूध को महफूज करने के लिए दूध को गर्म ही किया जाता है, जिसके तरीके हम आपको बतलाते हैं। पैस्चराइजेशन के अमल में दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर फौरन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लिया जाता है। इस अमल से दूध में पाए जाने वाले नुकसानदेह जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। पैस्चराइजेशन की तारीफ कुछ यूं की जा सकती है: ज़्यादा दर्जे हरारत पर कम वक्त और कम दर्जे हरारत पर ज़्यादा वक्त के लिए गर्म करने के अमल को पैस्चराइजेशन कहते हैं। दूध को 141 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1-4 सेकंड गर्म करके इसको 60-90 दिन आम दर्जे हरारत पर पैकेटों में बंद करके महफूज रखा जा सकता है। इसको UHT यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का तरीका कहते हैं। पैस्चराइज्ड दूध को एक ख़ास प्रेशर में से गुजारा जाता है, जिससे दूध की चिकनाहट मुकम्मल तौर पर हल हो जाती है। इसको होमोजिनाइजेशन कहते हैं। डेयरी फार्मों से दूध को टैंकरों के ज़रिए फैक्ट्रियों तक लाया जाता है, जहां पर इसके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। मसलन स्मेल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट। मयारी होने की सूरत में इस दूध को पाइपों के ज़रिए इन बड़े बड़े चैम्बरों में इकट्ठा कर लिया जाता है, जहां पर इसका दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इसके बाद पैस्चराइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। दूध को इस चैम्बर में 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और इसके बाद इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर ठंडा कर लिया जाता है। इस तरह दूध में बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके बाद इसको होमोजेनाइज किया जाता है। दूध में चिकनाई के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको एक ख़ास प्रेशर के अंदर से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से इन ग्लोब्यूल्स की जिसामत बहुत छोटी हो जाती है और ये चिकनाई हल हो जाती है। इसके बाद इस दूध को अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर 141 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरियल स्पोर्स भी मर जाते हैं और इसके बाद इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर ठंडा कर लिया जाता है। ये दूध जरासीम से पाक हो चुका है। इसके बाद दूध को पैकेटों में बंद कर दिया जाता है। इसको 3 माह तक आम दर्जे हरारत पर रखा जा सकता है। दही बनाने का जदीद तरीका रिवायती तरीकों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। दूध को 90 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर गर्म किया जाता है। ये अमल 30 मिनट तक जारी रहता है। इसके बाद गर्म दूध को ठंडा करके इसका दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जाता है। ठंडा हो जाने पर दूध में 2.5% जाग, जिसे स्टार्टर कल्चर भी कहते हैं, मिलाया जाता है और दही जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। 3 घंटे बाद इस नीम जमे दही को डब्बों में पैक कर दिया जाता है। इस नीम जमे दही को रेफ्रिजरेटर में रख कर 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है। 6-8 घंटे में दूध दही में तब्दील हो जाता है।
आम तौर पर लस्सी दही को बलोकर तैयार की जाती है। देहात में मक्खन बनाने का तरीका कुछ यूं है। दही को मिट्टी के बर्तन, जिसे चाटी कहते हैं, में डालकर लकड़ी की मदानी से बलोया जाता है। मक्खन ऊपर आ जाता है। इसके बाद मक्खन को हाथ से इकट्ठा कर लिया जाता है। अगर ज़्यादा मकदार में या तिजारती पैमाने पर मक्खन बनाना मकसूद हो तो इसका तरीका ये है। सबसे पहले दूध को क्रीम सेपरेटर में डाला जाता है, जो दूध को बहुत तेज़ी से घुमाता है। इस अमल से दूध के रोगनी अज्जा बर्तन के दरमियान में इकट्ठे हो जाते हैं और बकिया दूध बर्तन के अतराफ में चला जाता है। बर्तन के दरमियान में एक नल की लगी होती है, जिसमें से गुजरकर क्रीम एक दूसरे बर्तन में आ जाती है। जो दूध पीछे रह जाता है, इसे मलाई उतरा दूध या स्किम्ड मिल्क कहते हैं। क्रीम में तकरीबन 25% यानी 1/4 चिकनाई मौजूद होती है। इस क्रीम को मशीनों के ज़रिए बलोया जाता है और इस तरह मक्खन और लस्सी अलग-अलग अलग-अलग कर लिए जाते हैं। मक्खन को ज़्यादा अरसे तक महफूज रखने के लिए इसमें 1% खालिस नमक मिलाया जाता है। आइए हम आपको पनीर बनाने का एक आसान तरीका बताते हैं। टब में गर्म पानी मौजूद होता है और इस पानी का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। दूध का अपना दर्जा हरारत 29 डिग्री से गिरने नहीं दिया जाता। इस दूध में मिलाने के लिए रेनेट का महलूल तैयार किया जाता है। 1 औंस रेनेट को 20 औंस पानी में हल किया जाता है। 1 औंस रेनेट का महलूल 250 पाउंड दूध को पनीर में तब्दील कर सकता है। महलूल को आहिस्ता आहिस्ता दूध में मिलाया जाता है। इस अमल के दौरान दूध को हिलाते रहते हैं ताकि दवाई तमाम दूध में अच्छी तरह से मिल जाए। दवाई मिलाने के 45 मिनट बाद दूध में शामिल चिकनाई, लहमियात और दूसरे अज्जा जम जाते हैं और फिर मलमल के साफ और मोटे कपड़े में डालकर बकिया पानी को निचोड़ दिया जाता है। उस ज़्यादा अरसे तक महफूज रखने के लिए इसमें 1% खालिस नमक मिलाया जाता है। इसके बाद ट्रे में डालकर शकंजे में कस दिया जाता है, जहां पर इसमें से जायद पानी निकल जाता है। इस तरह तैयार शुदा पनीर को छोटी छोटी टिक्कियों में काट कर प्लास्टिक के बारीक कागज में लपेटा जाता है।